मथुरा जनपद के वृंदावन कोतवाली में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के बुलंदशहर स्थानांतरण होने के बाद सियाना थाने में तैनाती के दौरान उपद्रवी भीड़ द्वारा उनकी हत्या किए जाने की खबर से मथुरा जनपद के पत्रकार, पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि मथुरा जनपद के वृंदावन थाने में 9 माह की तैनाती के दौरान उन्होंने अपने सामाजिक कार्य और जाबाजी की बदौलत आम जनता और सामाजिक लोगों के साथ साथ अपने मधुर व्यवहार से पत्रकारों और पुलिस विभाग का भी दिल जीत लिया था। उनकी असमय मौत ने सभी के दिल को झकझोर कर रख दिया। अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार को मथुरा के सभी पत्रकारों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च की खबर पाकर अपने अधीनस्थों और सहयोगी साथियों के प्रति मानवीय संवेदना रखने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खुद को नहीं रोक सके, लिहाजा एसपी यातायात ब्रजेश कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह और कई उपनिरीक्षक और पुलिस कर्मियों ने इस कैंडल मार्च में शामिल होकर शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को श्रद्धांजलि दी। मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट से शुरू हुआ ये कैंडल मार्च खादी आश्रम से होता हुआ पुनः होली गेट पहुंचा। इस दौरान बातचीत में एसपी यातायात ब्रजेश कुमार सिंह ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इंस्पेक्टर जो हम लोगों के बीच पहले यहाँ वृंदावन में थे, मथुरा जनपद में कार्यरत थे और अभी उनकी तैनाती बुलंदशहर के सियाना थाने में प्रभारी निरीक्षक के तौर पर थी। 3 दिसंबर को उन्होंने जिस तरीके से गोकशी की घटना को लेकर के उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया और गोलीबाजी की गई, उसमें हमारे बहादुर और कर्मठ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली लगने से मृत्यु हुई है। और जहाँ तक हम लोग समझते हैं और आप यहाँ की मथुरा की पूरी जनता, उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे सारे मीडिया वाले भाई, हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, सभी लोगों ने एक कार्यक्रम के कैंडल मार्च निकालकर उनकी आत्मा को शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है। मैं तहे दिल से अपने बहादुर इंस्पेक्टर के लिए आप सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को आगे आने वाला जीवन जो भी सभी लोगों से सहयोग होगा और जो भी उनके परिवार को मदद होगी, हम मथुरा के लोगों की तरफ से, अपने पुलिस परिवार की तरफ से यही कहना चाहेंगे। तो जहाँ और जहाँ तक है, सभी लोग जो भी उससे सहयोग होगा उसको करेंगे ताकि उनके परिवार को आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। पुनः मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ पुलिस परिवार की तरफ से, सारे मीडिया वाले भाइयों ने आज यह कार्यक्रम जो आयोजित किया उनको श्रद्धांजलि दी। मैं तहे दिल से आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आगे आने वाले समय में उनके परिवार पर जो भी जरूरतें होंगी उसको निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलजुल कर पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारों की ओर से कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज ने शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का नमन किया। नहीं कहना चाहूंगा कि शहीद सुबोध कुमार सिंह जी मथुरा में तैनात रहे, कोतवाली वृंदावन रहे, सदर बाजार रहे, देहात में रहे और एक छेड़दिल इंसान थे, जिंदादिल इंसान थे, बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हम सभी लोगों ने, पत्रकार बंधुओं को बड़ी मायूसी हो गई है उनकी मृत्यु का दुखद समाचार हम सभी ने सुना और हम सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से, पुलिस की तरफ से आज उनको हार्दिक श्रद्धांजलि दी गई है कैंडल मार्च के द्वारा। हम ये मांग करते हैं कि जो भी इसमें घटनाक्रम में जो भी दोषी हो उनको कड़ी सजा दी जाए, उनके परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हमारे पास शब्द नहीं है, हम लोग उन शब्द हैं।